बात जरूर रखें। आपके के जी थैंक यू सर। पास बहुत बड़ा गुण है उनको फॉलो करने का। जी सबसे सबसे पहले तो मैं ये आपका बड़ा आभारी हूँ, थैंकफुल थैंकफुल हूँ, थैंक यू करता हूँ मैं आपका कि आपने जो है ये सोचा कि भाई ये श्रद्धांजलि जो है एक ऐसा मीटिंग ऑनलाइन होनी चाहिए। तो मैं मैम को बात बता रहा था कि भाई जब जी छोटा था मैं कितना प्रभावित हुआ। मैं छोटा था, हमारे घर से मार्केट जो है 6 किलोमीटर है। माँ बाप ने मुझे भेजा कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में, तो मैं एक दुकान के सामने से जो कि कैसेट की दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक की, तो वहां पे एक कैसेट लगी हुई थी, भी राग भीम पलासी उसमें चल रहा था और पंडित जसराज जी गा रहे थे। तो मुझे पता नहीं था ये क्या चीज होती है गाना, और तो मैं 2 3 4 चक्कर वहां से लगाए ऊपर नीचे। मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, पैसे वैसे होते नहीं थे, जब बच्चे थे छोटे जेब में तो होते नहीं थे उसमें, तो हिम्मत करके मैं दुकान के मैं अंदर चले गया। तो जी मैंने उनको पूछा, मैं कहा भाई साहब ये कौन गा रहे? कहते पहचानो आप संगीत से हो। मैं कहा नहीं, मैं संगीत से तो नहीं हूँ पर मैं शौक रखता हूँ सुनने का। कहते ये पंडित जसराज जी है। और मैं कहा यार इतना अच्छा गाते, मुझे रोना आ गया। वहां भी इतना अच्छा गा रहे थे वो क्लासिकल, इतना रोना आ गया मुझे। इतना अच्छा माहौल बना हुआ कि क्या बात है। मैं कहा भैया ये कैसेट कितने की है? तो उसने कहा 18-20 रुपए की कैसेट होगी। हाँ तो मैं कहते ये 18-20 रुपए उन्होंने कुछ ऐसा बताया था। मैं कहा अच्छा चलो, मेरी मेरे पास पैसे होते नहीं थे उस टाइम, तो मैंने 2 महीने पैसे इकट्ठे किए 18-20 रुपए, और वो कैसेट मुझे रिकॉर्ड करा के दी उन्होंने। ओरिजिनल नहीं थी। तो ये पंडित जसराज जी ऐसा गाना था उनका, वो नॉन म्यूजिकल लोगों को भी प्रभावित करते थे अपने जी गाने से। उनको मेरी बस भावभीनी श्रद्धांजलि है, उनको परमात्मा स्थान दे अपने चरणों में, बस इतना ही कहना चाहूंगा बस। धन्यवाद धन्यवाद हेम जी, बहुत आपने भावपूर्ण अपनी बात हमारे साथ साझे की है, अपने भाव, और यही भावना ही अपेक्षित होती है कि हम ऐसी लोगों के प्रति, ऐसे महान व्यक्तित्वों के प्रति अपने विनम्रता अभिव्यक्त कर सकें और उनकी कृपा की कामना करें कि उनके गुण का कुछ अंश अगर हमारे पे भी आ जाए तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन और हमारी सोच और हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल जाए। इसके साथ ही यदि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों में से यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है संक्षेप में तो रख सकते हैं, और फिर हम जो है जल्दी से कार्यक्रम का उसके बाद समापन करेंगे। यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है, हमारे साथ चंचल शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर पूनम घई जी हैं, उमा हाँ जैन हाँ जी, जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर मैम। मैं, मेरी माता जी ने हाथखंडे म्यूजिक कॉलेज से एमए किया था, तो आप ये सोच सकते हैं कि शायद इंस्टिंक्ट में ही मुझे ये संगीत जो है वो मिला है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, लेकिन मैंने साहित्य इसीलिए शायद चयन किया क्योंकि मेरे हृदय में हमेशा संगीत बसता था। और पंडित जसराज जी के साथ सर ऐसी कनेक्टिविटी थी कि दुर्गा जी को देख करके मुझे कभी कभी जेलिसी होती थी कि ये इनकी बेटी क्यों है, मैं इनकी बेटी क्यों नहीं हूँ। और उनका श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो उनका लगभग 45 मिनट की चैंटिंग है स्तोत्र वो, और हे दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जब सर मैं लाउड लगा करके कभी देवी के नवरात्र के दिनों में सुनती हूँ, तो आप यकीन कीजिए कि आंखों से आंसू नहीं रुकते। ये एकमात्र ऐसे सिंगर थे कि जो मेरे हृदय में हमेशा बसते हैं, और इनका जाना अपूर्णीय क्षति है। कल से वाकई में जो मैडम मधु शर्मा जी कह रही थी कि हमारे पास शब्द नहीं है इस दुख को व्यक्त करने के, ये आज भी हमारे हृदय में है। और सर आपके लिए तो मैं बहुत अधिक धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना सहृदयता का परिचय दिया। आपके यहाँ से इस तरह के कार्यक्रमों में सर, हमारे यहाँ वाकई अगर हम शास्त्रीय संगीत से नहीं जुड़े हैं तो हम साहित्य से भी नहीं जुड़े हुए हैं। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया। नहीं मैम, धन्यवाद वाली कोई बात नहीं है, ये मेरे अपने हृदय का संकल्प भी था और मैं हृदय खुद का महसूस जी करता जी था। बिल्कुल और एक बात मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं कि जब इस जरूर तरह के शेयर करो। उत्सव, जी जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर? जी ऐसे जो भाव जिनके प्रति आपकी एक भावपूर्ण निष्ठा होती है, उनके प्रति यदि आप
कर्म करने में कोताही करते हैं तो मुझे लगता है वो आपके भीतर एक ग्लानि के रूप में बैठ जाते हैं। तो मैं चाहे इसमें 2 लोग जुड़ते, 10 लोग जुड़ गए, 12 लोग जुड़ गए, वो मुझे महत्व का नहीं लगता। लेकिन ये है कि हाँ, हम 2 लोगों ने, 4 लोगों ने मिलकर के उनको स्मरण किया, अपनी भावाभिव्यक्ति की, मुझे लगता है कि ये एक होना ही चाहिए। ये मनुष्य होने के नाते हम सभी का दायित्व है, और ये हमें मनुष्य भी बनाता है कि हम एक्नॉलेज करना सीखें, दूसरों के गुणों को, दूसरों के अस्तित्व को स्वीकारें करें। तो मुझे लगता है कि ये एक अपेक्षा है, उसके लिए धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सभी ये करते। और जितने अभी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप सबके साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगा इस कार्यक्रम को पूर्ण करने से पूर्व, और विशेष रूप से अपने दोनों साथियों से, डॉक्टर परमजीत जी से भी और डॉक्टर मधु शर्मा जी से भी, और साथ में बाकी सभी जो जुड़े हुए हैं, कि यदि संभव हो तो मुझे लगता है कि एक जो थोड़ा विशेष कार्यक्रम या सेमिनार जो है, इनके ऊपर हमें करना चाहिए निकट भविष्य में, ऑनलाइन चाहे ही चाहे हम ऑनलाइन इनके, ही हाँ हम इनके, हाँ जी, ऑनलाइन ही चाहे हम इनका जो है वो रागों को सुने, चाहे वो 2 घंटे का, 1 घंटे का ही करें, तो ऐसी हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो निकट भविष्य में मैं चाहूँगा कि इस तरह का हम एक कार्यक्रम अवश्य करें। और इसी कार्यक्रम को अब पूर्णता की ओर ले जाते हुए मैं अंतिम उनके जो शब्द हैं, क्योंकि उनसे जब ये पूछा गया था क्लासिकल म्यूजिक के प्रभाव के बारे में, तो उनके ये शब्द थे, उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में कहे, आई फील क्लासिकल म्यूजिक इज द बेस्ट मीडियम टू पे होमेज टू द ऑल माइटी। सो इफ यू आर ए डेडिकेटेड म्यूजिशियन, द सबलाइम क्वालिटी प्री डोमिनेट्स योर म्यूजिक। तो संगीत कोई आनंद का साधन नहीं है, वो चेतना का साक्षात करने का तरीका है। तो मुझे लगता है कि ये उनके शब्द हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे, और हम ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति आप सभी की ओर से, अपने कॉलेज की ओर से, संगीत विभाग, दोनों संगीत विभागों की ओर से, हिंदी और संस्कृत विभाग की ओर से, उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और उनको मुक्ति प्राप्त हो, मुक्ति को वो उपलब्ध हो, ऐसी कामना के साथ आज का यह कार्यक्रम हम पूर्ण करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में हम जरूर इनके ऊपर एक कोई ना कोई सेमिनार जो है वो अवश्य इनके प्रति कर पाएंगे, या इनके सम्मान में कोई ना कोई हम कार्यक्रम अच्छा सा आयोजित कर पाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के इन्हीं सब साथ शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, आप आप सब सबका लोग धन्यवाद, जुड़े, और आप आप सब लोगों लोग ने अपनी जुड़े और आप बातचीत सब हमारे लोग ने साथ अपनी साझी बातचीत की। हमारे साथ साझी की। सर थैंक प्रतीक्षा यू रहेगी, प्लीज करवाइएगा जरूर। सर, जी थैंक मैम, यू जी सर, मैम, थैंक जी यू मैम, थैंक यू थैंक यू परमजीत मैम। मैम, थैंक यू।